हमें ये ज्ञान दिए हैं कि यहीं पर भूतपूर्व से आज तक कुश्ती देर थोड़ा सा आगे में रास्ता है तो हम इधर रास्ता है तो चल रहे हैं थोड़ा इस रास्ते की तरफ देखते हैं क्या क्या इधर दिख रहा है। स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉक में। मैं आज अभी हूँ राजगीर में और गर्म कुंड के मैं चलता हूँ उधर आपको लेके। ये गर्म कुंड की तरफ रास्ता जा रहा है। ये नाला है जो चल ऊपर में ब्रिज बना दिया है जो चलने का गर्म कुंड के जाने के लिए देखो रास्ता बनाए हुए। सभी लोग गर्म कुंड के पास वेट कर रहे हैं। अरे इधर से सीढ़ी जाने के लिए इधर कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये नीचे से आने का रास्ता और ये है ऊपर में और ये सफारी ब्रिज उधर है जो उधर दिखता होगा आगे में। फिर ऊपर से गर्म कुंड इधर में लोग नहाते रहे। उनकी ये मान्यता है कि ये ऊपर में जो है बना हुआ है ये दिख रहा है। उनकी मान्यता है कि यहाँ पर कुश्ती होया करते थे पहले में। और ये हमारे पीछे व्यू जो दिख रहे हैं आपको और ये ऊपर में पहाड़ अभी और है जो उधर रास्ता नहीं है जाने के लिए जो हम जा सके। ये थोड़ा सा मुझे डेंजर इसलिए दिखता है कि ये रेलिंग अगर होता तो और अच्छा होता, सेफ होता। अगर आप अपने भी परिवार के साथ आते हैं तो थोड़ा परिवार का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल का। व्यू थोड़ा बहुत खूबसूरत है। लोग आ रहे हैं अभी बहुत सारे। देखिए ये भाई लोग आए हुए हैं बच्चे के साथ और इन पे है जो इधर एक नाव चल रहे हैं जो इनकी रास्ता उधर से जाने को है मतलब नीचे जाने के बाद वो रास्ता मिल जाएंगे। और ये इधर में बिहार राजगीर का जो दिख रहे हैं ये पहाड़ खूबसूरती। अब थोड़ा सा आगे में रास्ता है तो हम इधर रास्ता है तो चल रहे हैं थोड़ा इस रास्ते की तरफ देखते हैं क्या क्या इधर दिख रहा है। आधा चढ़ चुके हैं टॉप पे। टॉप पे जाने के लिए मुझे इधर में और सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अभी 200 सीढ़ी चढ़ने पड़ेगी। कम से कम 300 चढ़ चुके हैं। 300 चढ़ने में बहुत ही हम कुंड वाले में पहाड़ के ऊपर हैं जो ज़मीन से 10,000 फीट ऊपर। और इधर अभी चढ़ ही रहे हैं थोड़ा और इधर से हम लोग इस साइड से भी आ ही रहे हैं जो ये रास्ता दिख रहा है इधर आ रहे हैं। और ऊपर में अभी थोड़ा ज़्यादा मौसम थोड़ा ठंड हुए तो ठीक है वरना बहुत गर्मी लेते हैं और धूप भी बहुत काफ़ी था जिसकी वजह से बहुत गर्मी थे। और बारिश तो अभी हो ही नहीं रहे इसके कारण ही और धूप है। साथ में भाई लोग हमारे साथ चल रहे हैं जो कुछ दूर तक चलेंगे फिर हम आगे में। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये घर में सब लोग वापस हो रहे हैं क्योंकि इधर में 4 बजे जो घूमने की जगह थोड़ी थी वो बंद हो चुकी है। अभी टाइम हो रहे हैं हमारे 4:30। इसके लिए इधर से क्या व्यू दिख रहे हैं एक सामने में हमारे पहाड़ है एक इधर भी हैं अभी और इधर मंदिर था। आगे रास्ता है जो अभी बंद हो चुके हैं। इसका टाइमिंग है 4 बजे तक। अब यहाँ 4:30 हो चुके तो इसलिए बंद कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा आगे में। जो सीढ़ी है चढ़ने में तो बहुत टाइम लगा पर उतरने में उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये सीढ़ी आसान से उतर सकते हैं क्योंकि ये जिस हिसाब से पहाड़ है उसी हिसाब से ये सीढ़ी बनाए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ना जो इस तरह ही डिज़ाइन किया उस सीढ़ी का किसी को आराम मिले ना। तो मोबाइल से किनबा कपड़ा भी लेकर पहनबा का राजगीर में बारिश हो रहा है ना। अभी थोड़ा बारिश हुआ तो ये रास्ता गीले हो गए हैं जिस चलने के लिए आसानी से ना हो रहा है पर अगर इसमें आसान से ना चढ़ेंगे तो गिरने की। आज पर आए हैं जहाँ पूर्वजों ने हमें ये ज्ञान दिए हैं कि यहीं पर भूतपूर्व से आज तक कुश्ती होता जा रहा है।